नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि ये गाड़ी में जो है, इस वक्त जब तस्वीरों में गाड़ी देख रहे हैं, इसमें एक सांप मिला है। जी हाँ, और सतीश फफड़ाना जी को बुला लिया गया और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वो पूरी तैयारी में है कि किस तरह से इस गाड़ी में से सांप को निकाला जाए। चूंकि एक्चुअली शायद उन्होंने पकड़ लिया है सांप को और सांप वो शायद बाहर लेकर आएंगे। उससे माहिर सांप है, तो जहरीला सांप है ये, नॉन पॉइजनस है, लेकिन सूखे का सांप है और घरों में बहुत ही मिलता है, घरों में आमतौर पर मिल जाता है। इस सांप को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल, और गाड़ी में तो और भी मुश्किल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये छुपने में बड़ा माहिर है, इसका जो मुंह आगे से बिल्कुल पता। ये देख लीजिए कि सांप को जैसे कि किस तरह से सांप हाथ से भी छूट गया, कैसे बाइट कर रहा है, कैसे लपेट रहा है खुद को, देख सकते हैं आप। कर भी लिया है, कर रहा नहीं, कर लिया है, कर लिया है, ये आपको बाइट करने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं कि काट रहा है, उसने हाथ पे कांटा भी है, देख सकते हैं खून भी निकला है सतीश फफड़ाना जी के, उन्होंने हाथ पर काटा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है दवाई पोटास वगैरह, हम उसको घोल से साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं? हाँ, कोई ऐसी जान का खतरा तो नहीं? नहीं, इसमें ऐसे कोई जान का खतरा नहीं है। तो आपको बाइट भी की है इसने अभी? तो हाँ, कर लेता बहुत बार, इसमें पॉइजन नहीं होता। अगर हमें ये ग्लव्स के अंदर, ग्लव्स के साथ अगर अंदर काबू नहीं आता, फिर भी हम इसको खाली हाथ से पकड़ने का रिस्क लेते।